नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ आज पाकिस्तानी संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान के लिए संसद की कार्रवाई जारी है। स्पीकर ने फिर से पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को अपना भाषण पूरा करने को लेकर कहा है, लेकिन विपक्ष ने इसका विरोध किया। इस दौरान नेशनल असेंबली में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गर्मा गर्म बहस हुई। इससे पहले 11:30 बजे नेशनल असेंबली में बवाल बढ़ने के बाद स्पीकर ने संसद की कार्रवाई भारतीय समयानुसार 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी थी। बहस के दौरान स्पीकर असद कैसर ने मतदान से पहले विपक्षी साजिश पर चर्चा करवाने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि अगर वोटिंग को रोका जाता है तो यहाँ ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवहेलना होगी। शहबाज शरीफ संसद में जब अपनी बात रख रहे थे तभी उनकी स्पीकर के साथ बहस भी हो गई। इस दौरान शरीफ ने कहा कि पहले जो हुआ वो ठीक है, लेकिन आज आप संविधान के लिए खड़े हो जाए, सही मायने में स्पीकर का किरदार निभाए। इसके बाद सत्ता पक्ष की तरफ से विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने जवाब दिया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को पढ़ते हुए अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि संविधान का उल्लंघन पाकिस्तान के इतिहास में होता रहा है। उन्होंने कहा कि 12 अक्टूबर 1999 को संविधान का उल्लंघन किया गया था, तब सुप्रीम कोर्ट ने संविधान में संशोधन की इजाजत दे दी थी, जो सही नहीं था। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि प्रधानमंत्री इमरान खान सुप्रीम कोर्ट के हाल के फैसले को कबूल करते हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ विदेशी साजिश की जांच भी की जानी चाहिए। सरकार को धमकी दी गई है, हमने इसकी जांच करवाने के लिए कमेटी भी गठित की है। विदेशी साजिश को लेकर विपक्ष को भी साथ देना चाहिए, जिसके बाद विपक्षी सांसदों ने विरोध किया। तब कुरैशी ने कहा कि विपक्षी पार्टियां घबरा रही है और डर रही है। जब विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच बवाल बढ़ गया तब स्पीकर ने संसद को 1.5 घंटे के लिए स्थगित कर दिया। विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, शाहिद खाकान अब्बासी और बिलावल भट्टो जरदारी ने मोर्चा संभाला। वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से कम आपको बता दें कि कम संख्या में ही सांसद यहां पर मौजूद दिखाई दिए। बताया भी जाता है कि इस बीच विपक्ष का दावा है कि उनके पास 196 सांसदों का समर्थन है। प्रधानमंत्री इमरान खान को सत्ता से हटाने के लिए विपक्षी दलों को 342 सदस्य, सदन में 172 सदस्यों की आवश्यकता है। ऐसे में अगर इमरान खान अविश्वास प्रस्ताव हार जाते हैं तो आज ही पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री का चुनाव किया जा सकता है। इस बीच खबर यह भी है कि अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग को लेकर इमरान खान ने अंतिम दांव चल दिया है। पाकिस्तान के सूचना और कानून मंत्री फवाद चौधरी ने दावा किया है कि अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान अगले हफ्ते किया जा सकता है। विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने भी कहा है कि सदन के हालात पर निर्भर करता है कि अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी कि नहीं। इससे पहले शुक्रवार रात को इमरान ने देश के नाम दिए अपने संबोधन में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अफसोस जताया था। इमरान ने कहा था कि उन्हें उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट उनकी सरकार को गिराने में विदेशी साजिश की बात को सुनेगा और मानेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने भारत का भी जिक्र किया और कहा कि भारत की तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। वहां की विदेश नीति इतनी मजबूत है कि सारी दुनिया रूस पर प्रतिबंध लगा रही है, लेकिन भारत सीना ठोककर रूस से तेल खरीद रहा है। विदेशी मामलों के जानकार मान रहे हैं कि भारत का नाम लेकर जहां इमरान विदेशी ताकतों को नई दिल्ली के खिलाफ प्रतिबंध लगाने के लिए उकसा रहे हैं, तो वहीं पाकिस्तान की जनता को भी इशारों में बता रहे हैं। अमेरिका जैसे देश भारत को नहीं दबा पाए, लेकिन पाकिस्तान को दबाया जा रहा है। ऐसे में एकजुट होकर हमारी सरकार का समर्थन कीजिए। और चलिए इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। मोहम्मद तमसील अहमद जी हमारे साथ है, पाकिस्तानी आवामी दल के नेता हैं, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ प्रकाश शाह जी हैं जो कि एक्स डिप्लोमेट है, आपका भी बहुत स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ
ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी भी जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है सर, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा मोहम्मद तमसील अहमद जी आपसे ही है। सर, ये अभी जो पाकिस्तान में हालात फिलहाल दिखाई दे रहे हैं, इमरान खान के लिए कितनी मुश्किल वाली घड़ी से कही जा सकती है, या फिर यूं कहें कि क्या कुछ ही देर के मेहमान है क्या फिलहाल प्रधानमंत्री के तौर पर इमरान खान? थैंक यू वेरी मच। मैं आपके क्वेश्चन का लास्ट पार्ट नहीं सुन पाया, इफ यू कैन काइंडली रिपीट दैट। कैसा ये कहा जा सकता है जो हालात पाकिस्तान में हैं, महज कुछ ही घंटों के प्रधानमंत्री के तौर पर मेहमान के तौर पर देखे जा सकते हैं इमरान खान? अगर आप बुक्स देखें तो यस, इमरान खान जो है वो आज से पहले हमारे कौमी असेंबली जो वोट का वहां पे तो वो लूज कर चुके हुए हैं। उनके अपनी पार्टी के बहुत से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं वो उनसे दे आर नॉट एग्रीइंग विद हिज पॉलिसी, दे आर नॉट एग्रीइंग विद व्हाट हैज डन इन लास्ट 3.5 or 10 years। लेकिन वो एक बेचैनी की सूरत हाल है वो अभी तक कायम है, दैट इज नॉट शटेड अप। और इमरान खान जो है ही स्टिल वॉन्ट्स कि किसी न किसी तरीके से या तो इक्तदार में बैठे रहें, ही शुड बी वो पीएम ऑफ पाकिस्तान, या फिर वो किसी तरीके से शायद यूं लगता है कि वो इस पूरे निजाम को ही फिर लेना चाहते हैं, लाइक मी और नो वन एल। तो फिलहाल तो कोई बड़ा यहाँ पे क्रिटिकल है कोई सिचुएशन नहीं है, क्योंकि लास्ट वीक भी सारी लोगों ने देखा, दुनिया ने देखा कि कुछ बड़े अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप्स जो हैं वो इस प्रेजेंट सिटिंग गवर्नमेंट की जानिब से लिए गए, जिसके ऊपर हमारी सबसे बड़ी जो कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसने सो मोट एक्शन लिया और उसने कुछ डायरेक्शन दी, डायरेक्टिव दी आज के इजलास के हवाले से। लेकिन स्टिल अभी भी नेशनल असेंबली का जो सेशन है वो ऑन गोइंग है, लेकिन कोई क्लैरिटी नहीं है। गवर्नमेंट इस मूड में नजर आ रही है, इमरान खान इस मूड में नजर आ रहे हैं कि वो इतनी आसानी से इकतदार को नहीं छोड़ेंगे, नोइंग द फैक्ट कि उनके पास असेंबली में अब नंबर गेम नहीं रहे। ठीक है, लेकिन ये बार बार कार्रवाई को स्थगित करना पड़ रहा है, अभी भी 1.5 घंटे के लिए कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा, आखिर क्या वजह है कि इतना ज्यादा हंगामा सदन के अंदर हो रहा है, और क्या महज इस पूरे मामले को अब टालने वाली बात हो रही है कि इमरान खान की तरफ से और स्पीकर की तरफ से, कि ये मामला बहुत ज्यादा बढ़ता रहे, हंगामा लगातार होता रहे, वोटिंग ना हो पाए और जिससे कि इस पूरे मामले को टाला जा सके? देर इज नो डाउट अबाउट दैट कि गवर्नमेंट ये चाहेगी कि आज के दिन पे वोटिंग ना हो और वो किसी तरीके से इसको डिले करें, बिकॉज इसमें एक बड़ा मैं आई एम नॉट अ लॉ एक्सपर्ट, लेकिन चीजें जो देखी जा रही हैं वो ये है कि पाकिस्तान के आइन के मुताबिक, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक 3 to 7 days में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होना लाजमी है। लास्ट संडे 3rd of April वॉज द 7th day कि जिसके पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए वोटिंग होना लाजमी थी, और यही डायरेक्टिव सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी दिया है बाय टुडे, यानी 9th of April को दिस शेल बी क्लोज। अब गवर्नमेंट ये चाहती है और जो उनका मूड लग रहा है, जो डिले टैक्टिक्स वो खेल रहे हैं कि ये चीज आज रात 12 बजे के बाद आगे लिंगर ऑन हो जाए और फिर एक और नई कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट क्रिएट हो जाएगी कि आफ्टर 7 days क्या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पर वोटिंग हो सकता है या नहीं। आपने जो बात की कि असेंबली इजलास के अंदर कोई हंगामा हुआ, अगर आप पुराने हमारे सेशन देखें नेशनल असेंबली के, इससे ज्यादा हॉट डिबेट्स हुई हैं, इससे ज्यादा लोग जो है वो प्रोएक्टिव उन्होंने बिहेव किया है। आज तो सेशन बहुत सुकून से जा रहा था, लेकिन स्पीकर जो नेशनल असेंबली है उनकी इंटेंशन से ये बिल्कुल जाहिर होता है कि ही वॉन्ट्स के उनको कोई छोटा एक्सक्यूज मिले और वो सेशन को नहीं प्रारंभ करते जाए। आपने देखा होगा सेशन वॉज कॉल्ड फॉर 1 hour and 15 minutes बट स्टिल अब तक जो है वो सेशन को रिकॉल नहीं किया गया। तो गवर्नमेंट की इंटेंशन बिल्कुल दे आर नॉट इन द फेवर केस फॉर वोटिंग की है। ठीक है, ठीक है। प्रकाश शाह जी, क्योंकि इमरान खान के हाल ही के अगर हम संबोधन को देखें तो इमरान खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हाल के फैसले को कबूल वो करते हैं, लेकिन ये भी कहा कि पाकिस्तानी विदेश जो सरकार है उसके उस खिलाफ जो विदेशी साजिश जो हो रही है उसकी भी जांच होनी चाहिए।
तो ये क्या बताने की कोशिश फिलहाल इमरान खान की तरफ से की जा रही है प्रकाश शाह जी? कल शाम को जब इमरान खान ने पब्लिक को आवाम को लेक्चर दिया तो उन्होंने बोला कि वो जो लेटर है, जो फॉरेन अमेरिकन लेटर है, वो नहीं कर सकते हैं, दिखाई नहीं सकते हैं, क्योंकि इट विल बी अगेंस्ट द रूल्स ऑफ द गवर्नमेंट. तो वो दिखाते भी नहीं है और सामने से उनको कहते हैं, सबको कहते हैं कि हमारे पास एक दखल करने का, फॉरेन से दखल करने का चिट्ठी आया हुआ है. तो उसका मतलब ये है कि 7 दिन, 3 से 7 दिन में ये इसके ऊपर नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर वोट होना चाहिए. तो 7 दिन आज रात को 12 बजे खत्म होने वाला है. तो वो खींच रहे हैं कि 7 दिन तक, आज रात को 12 बजे तक वोट ना हो. सर लेकिन ये खींचना क्या संविधान का उल्लंघन नहीं है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन नहीं होगा क्या प्रकाश जी? उल्लंघन से कोई मतलब ही नहीं है उनको. कोई उल्लंघन जो हो रहा है हो रहा है, लेकिन उल्लंघन से मतलब नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है, अपने डिफेंस वालों ने कहा हुआ है, सेना ने कहा हुआ है. तो वो डिपेंड करते हैं कि पाकिस्तान की आवाम जो है वो उनको सपोर्ट करेगी, क्योंकि उनको पता है कि वो हार जाने वाले हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस. कहाँ से करेगी, कैसे करेगी, कैसे उनको पता चला हुआ है वो हमको नहीं पता. लेकिन ऐसे लगता है कि 7 दिन खत्म हो जाएगा तब तो उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर जरूर रहेगा, और जब तक प्राइम मिनिस्टर रहेगा तब तक कुछ भी कर सकता है. तो इसकी प्रॉब्लम ये है उनकी कि कुल मिला के अपनी मनमानी पर उतारू हो गया इमरान खान. लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर विनोद दत्ता जी मेरा आपसे है, उन्होंने भारत का भी जिक्र किया था और कहा था कि भारत की तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता है, वहां की विदेश नीति इतनी मजबूत है कि सारी दुनिया रूस पर प्रतिबंध लगा रही है लेकिन भारत सीना ठोक कर रूस से तेल खरीद रहा है. क्या आपको मानना है, क्योंकि कई लोग तो ये भी कह रहे हैं विदेशी मामलों के जानकार कि ये कहीं ना कहीं उकसाने की कोशिश इमरान खान की तरफ से की गई है? देखिए इमरान खान साहब के जो बयानात हैं अगर उनको देखें तो विनोद जी से सवाल है, मैं आती हूँ मोहम्मद साहब आपके पास, एक मिनट. विनोद जी से सवाल किया था मैंने. जी जी. तो नेहा जी आपने देखे होंगे कि जिस तरह के बयानात इमरान साहब चाहे वो तकरीर कर रहे हैं या उन्होंने कोई अखबारों को अगर कोई तहरीर दी है तो उसमें ये देखा गया है कि वो प्रो इंडिया उन्होंने काफी स्टेटमेंट्स दिए हैं. और ये अच्छी बात है कि एटलीस्ट उन्होंने ये रियलाइज किया है कि भारत का जो नेशनलिज्म है या जो भारत का वर्चस्व है विश्व में, वो हमारी जो स्टेबिलिटी है, हमारी जो ट्रांसपेरेंट पॉलिसीज हैं या हमारा जो ट्रांसपेरेंट पॉलिटिकल सिस्टम है उसकी वजह से है. क्योंकि आप ये देखिए पाकिस्तान में अभी तक किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने अपना पूरा टर्म पूरा नहीं किया है. और वहां जब तक सेना चाहती है, पाकिस्तानी सेना चाहती है, तब तक प्राइम मिनिस्टर साहब रहते हैं. और इस तरह के जो उन्होंने बयानात दिए हैं उससे यकीनन जो पाकिस्तानी सेना है, जो पाकिस्तानी सेना के चीफ हैं, वो बहुत ज्यादा खुश नहीं होंगे. और उन्होंने ये बात बिल्कुल साफ और वाजे कर दी है कि वो ये एक इंटरनेशनल सिंपैथी गेन करना चाहते हैं कि भाई देखिए हम अगर हम दोबारा सत्ता में आते हैं या सत्ता में रहते हैं तो हम एक रीजनल पीस या रीजनल बैलेंस की तरफ बढ़ेंगे. और जिस तरह से टेररिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है या जिस तरह से और उन्होंने उनका रोल अफगानिस्तान में रहा, क्योंकि आईएसआई के सरबरा वहां खुद गए थे कि उन्होंने तालिबान की सरकार को वहां काबिज किया था. तो ये इस तरह के स्टेटमेंट वो केवल जो बैन अल-अक़वामी सतह पे या जो इंटरनेशनल लेवल पे वो सिंपैथी गेन करना चाहते हैं, अदरवाइज उनका कोई इतना कोई संजीदा नहीं है. क्योंकि अचानक कैसे इस तरह का इल्म आ गया इमरान खान साहब ने कि
भारत एकदम की पॉलिसीज उनको अच्छी लगने लगी। क्या वजह है कि अचानक से भारत के लिए प्रेम उमड़ रहा है इमरान खान के जहन में? चलिए, लगता है संपर्क टूट गया है, लेकिन प्रकाश शाह जी बार बार अमेरिका पर भी तंज कसते हैं इमरान खान, अमेरिका पर तंज कसने का क्या महत्व है और क्या इसके मायने निकालूं? इसका मायने ये है कि इनको पता है कि वो हारने वाले हैं, तो इनको पता है कि जितना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस डिले करेंगे तो इतना उनके लिए फायदा है, और वो पाकिस्तानी आवाम को अपील करते हैं डायरेक्टली, सुप्रीम कोर्ट नहीं करते हैं, अपोजिशन को नहीं करते हैं, अपोजिशन करप्ट है, वो कहते हैं कि उनको कोई किसी को लाने की जरूरत ही नहीं है, मैं बैठा जी। आपकी भी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है प्रकाश जी। विनोद जी का रुख कर लेते हैं, मैं एक बार फिर से आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। इस बीच ये भी विनोद जी कहा जा रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग को लेकर इमरान खान ने अंतिम दांव पर चल दिया है, और पाकिस्तान के सूचना और कानून मंत्री फवाद चौधरी ने दावा किया है कि अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान अगले हफ्ते किया जा सकता है। तो यानी कि पूरी तरह से ये कोशिश है कि एक हफ्ते के लिए इसे टाल दिया जाए। बिल्कुल, देखिए इमरान खान साहब ये पूरी कोशिश करेंगे कि जितनी डिले इसमें हो सके, क्योंकि मैं इस बात से भी बिल्कुल गुरेज नहीं करूंगा कि कोई खरीदो फरोख्त भी इसमें हो सकती है, क्योंकि उनको 172 जो सीट्स हैं उनकी जरूरत है, और इस तरह के जो हॉर्स ट्रेडिंग है वो यकीनन वहां चल रही होगी, और वो चाहेंगे कि जो बागी उनके जो सीनेट मेंबर्स हैं वो उनको वो बनाने की कोशिश करें या उनको अपने पाले की तरफ खींचने की कोशिश करें, क्योंकि ये एक लास्ट डिच एफर्ट है इमरान खान साहब के पास। तो वो यही कोशिश करेंगे कि ये जितना डिले हो सके उतना डिले हो जाए, और जो बाकी जो मध्यस्थ लोग होंगे वो इस दाव पेच में लगे होंगे कि कैसे जो रूठे हुए उनके जो सेनेटर्स हैं या जो उनके जो जो उनके मेंबर पार्लियामेंट हैं वो कैसे उनको अपनी तरफ खींचा जाए और वो प्रूव कर सकें फ्लोर पे कि यस मेजोरिटी उनकी है। तो यकीनन उनके लिए डिले टैक्टिक्स एक बहुत बड़ा मोहरा है। ठीक है तस्लीम जी, एक बार फिर से आपका रुख कर लेते हैं। सर, जिस बात का जिक्र मैं ब्रेक पे जाने से पहले कर रही थी कि क्या वजह है कि इमरान खान भारत के लिए बड़े की प्रो दिखाई दे रहे हैं, भारत के लिए एकदम से उनका जो मोहब्बत है वो जाग गई है, प्यार निकल के सामने आ रहा है, क्या वजह इसके पीछे आप समझते हैं तस्लीम जी? इमरान खान साहब जो है वो पॉलिटिक्स की दो तीन बातों के अलावा कभी भी अपने किसी स्टैंड के ऊपर स्टैंड नहीं लेते हैं। एक उनका ये स्टैंड शुरू दिन से एक बात उनकी हर स्पीच में होती है कि सेट हिम ऑल ऑफ द अपोजिशन एवरीबॉडी जो है वो करप्ट है, ये तो उनका एक जो बेसिक स्पीच का कॉन्टेंट होता है, ये वो बात है जिससे वो आज तक नहीं फिरे। रिगार्डिंग इंडिया या किसी और मुल्क के हवाले से, जैसे वो आजकल अमेरिका के बड़े खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन अगर आप देखो जब वो ट्रंप से मुलाकात करते थे तो पाकिस्तान ने उन्होंने सेलिब्रेट किया था 92 के बाद पाकिस्तान ने तो दूसरा वर्ल्ड कप जीत लिया हो, सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस जो है वो पाकिस्तान आए थे, तो उसके बाद जो ड्रम जीत गई थी उसका भी कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन जब उसके बाद सऊदी अरेबिया की तरफ से इतनी बड़ी चीजों के बारे में बोल्ड रिस्पॉन्स मिला तो फिर ट्रंप कुछ और हो गया। तो ये इमरान खान जो है वो भी खेलते रहते हैं और वो अपनी बात पे खड़े नहीं रहते हैं। आज वो इंडिया की फेवर के लिए, उनकी फॉरेन पॉलिसी के लिए बात कर रहे हैं। आप देखेंगे कल को अगर वो गवर्नमेंट में नहीं होंगे और सिटिंग गवर्नमेंट अगर इंटर से रिलेशन को पॉजिटिव करने की बात करेगी तो इमरान खान भी द फर्स्ट वन जो उनको ट्विटर भी डिक्लेयर करेंगे और जो मैसेज में जाके ये लेट इसलिए भी किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा वक्त बीता जा सके और उसके बाद एक पिच तैयार की जा सके दोबारा चुनाव के लिए। असल में वक्त हम मुझे नहीं लगता कि वो वक्त इसलिए गेन कर रहे हैं और हमारी सरकार ने भी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये जो सब करते हैं इमरान खान वो बड़ी सेल्फिश
वो बड़े सेल्फिश काम के लिए कर रहे हैं। वो कर रहे हैं इसीलिए कि ऑपोजिशन को कोई वोट ऑफ कॉन्फिडेंस सहारे नहीं, और जब तक वो चलाएंगे, जैसे विनोद दत्ता ने कहा हुआ है, जब तक वो चलाएगा वो अपना काम खत्म हो जाएगा, उसके बाद नहीं वो ये एरिया का दोस्त है, नहीं वो दोस्त है एशिया का, नहीं वो दोस्त है साउथ एशिया का, वो अपना ही दोस्त है, और अपनी करेज अपनी बचाने के लिए ये सब लंबा करते हैं। तो कब तक टाले जाएगा वक्त और कब तक नहीं होगी वोटिंग, इस पर भी सभी की निगाहें हैं, न सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि पूरे विश्व की निगाहें अब पाकिस्तान पर टिकी हुई है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। माफ कीजिएगा प्रकाश जी, मेरे पास वक्त की कमी है, बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इसी के साथ मुद्दा में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।